नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो बिहार में कोरोना के 513 नए मरीज मिले। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,27,946। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 513 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,27,946 हो गई। बिहार में फिलहाल 6,295 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 186 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 513 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,27,946 हो गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, गृह मंत्रालय भाजपा को देने पर राजी नहीं हुए नीतीश। नीतीश मंत्रिमंडल में मंगलवार को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। गृह विभाग भाजपा को देने पर नीतीश कुमार राजी नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट, निगरानी और निर्वाचन विभाग के अलावा भी सभी विभाग रखे हैं जो अभी किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। चलिए जानते हैं किनको मिला कौन सा विभाग। विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना जनसंपर्क तथा सांसदीय कार्य का मंत्री बनाया गया है। तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा नगर विकास एवं आवास की जिम्मेदारी दी गई है। रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण तथा उद्योग विभाग सौंपा गया है। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का मंत्री बनाया गया है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा, मद निषेध, योजना और खाद तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग का मंत्री बनाया गया है। मेवालाल चौधरी के जिम्मे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। मुकेश सहनी पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। मंगल पांडे को स्वास्थ्य, पथ परिवहन तथा कला संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, सहकारिता और गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया है। रामप्रीत पासवान के पास लोक, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। रामसूरत राय को राजस्व एवं विधि विभाग का मंत्री बनाया गया है। शीला कुमारी को परिवहन, संतोष मांझी को लघु और सिंचाई तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। जीवेश मंत्री को पर्यटन, श्रम और खान एवं भूतत्व मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम बोलने में फंसे। एक ने नीतीश को बताया पीएम तो दूसरे ने साल को बताया 2020। बिहार की नई नीतीश सरकार में दो डिप्टी सीएम बने हैं। ये दोनों नेता कटिहार से चुनाव जीतकर आए हैं, तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से जीतकर आई रेणु देवी। दोनों राजनीति करने के मामले अनुभवी हैं, चौथी पांचवी बार विधायक बने हैं, राजनीति में अनुभवी हैं तो बोलने में भी होंगे। नेताओं की जनता से जुड़ने के लिए बोलना तो पड़ता ही है, इसी में कभी कभी गलती हो जाती है, जबान फिसल जाती है। अब बड़े लोग हैं तो फिसली जबान की बात तो अंतगढ़ बन जाती है। ऐसा ही कुछ इन दोनों नेताओं के साथ भी हुआ है। इन दोनों नेताओं के मंत्री पद की शपथ लेने के साथ साथ एक एक वीडियो वायरल हो रहा है। इन वीडियो के जवाब देते वक्त अलग अलग टॉपिक पर दोनों की जुबान फिसलती सुनाई दे रही है। कहना चाहते हैं कुछ, कहा कुछ और जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा। और स्वाभाविक है, विगत 15 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार सुशील के नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं दूसरी वीडियो की। 2020 हो गए, पार्टी का इनाम मिला है। देखिए, पार्टी हमें तो हमेशा ही सम्मान ही दिया है, क्योंकि मेरे पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलता है, और सम्मान हमें इतना मिला है कि मैं 88 से और आज 2020 हो गए, 20 तक मैं पार्टी के अनेक पदों पर काम की, मुझे हमेशा उपहार ही मिला है। मैं 5 बार विधायक रही, मैं राष्ट्रीय जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रही, मैं जो है बहुत सारे पदों को निर्वहन करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ।
सतर्कता से मनाएं आस्था का महापर्व। तालाबों में अत्यधिक पानी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छोटे जलाशयों में भी मना सकते हैं छठ। इस वर्ष पर्याप्त बारिश के कारण नदी तालाबों में अत्यधिक पानी है, इसीलिए छठ महापर्व के दौरान पूरी सतर्कता रखें। कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छठ मनाने की छूट मिली है, ऐसे में जल जमाव वाले छोटे आहार पाइन के किनारे भी अर्घ दे सकते हैं, कहीं भी इस बार पानी की कमी नहीं होगी। इसके पहले वर्षों में तो तालाबों में सूख जाने के कारण पंपिंग सेट से पानी डालना होता था, इस कारण लोग बड़े जलाशयों में छठ मना रहे हैं जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग से कठिनाई हो सकती है, लेकिन इस बार सामान्य से डेढ़ गुनी अधिक बारिश होने के कारण स्थिति बदली हुई है। यूं तो अत्यधिक बारिश के कारण फसलें बर्बाद हुई और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस कोरोना काल में आस्था का महापर्व छठ मनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नदी तालाब समेत छोटे आहार पाइन गड्ढे चौर और किनारे भी सूर्योपासना के इस महापर्व को मना सकते हैं। राम कृपाल यादव ने लिया छठ घाटों का जायजा, लोगों से घर पर ही त्यौहार मनाने की अपील। लोक आस्था के महापर्व छठ आज से शुरू होने वाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है। डीएम कुमार रवि और मेयर सीता साहू लगातार घाटों का निरीक्षण कर रही हैं। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने फुलवारी प्रखंड स्थित शिव मंदिर तालाब, बहादुरपुर तालाब, गोनपुरा सूर्य मंदिर तालाब और दानापुर के खगौल लैक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छठ महापर्व की तैयारियों एवं तालाबों की साफ सफाई का जायजा लिया, साथ ही महापर्व की तैयारियों को जल्द पूरा करने और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के चलते लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को घर पर ही मनाएं, कम से कम संख्या में घाटों और तालाबों पर जाएं, साथ ही ज़्यादा भीड़ लगाने से बचें। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पर्व को अच्छी तरह से मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, प्रशासन को सहयोग कर प्रेम और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाएं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने संभाला कार्यभार, अधिकारियों ने किया स्वागत। बिहार में गठित नई सरकार में मंगलवार को मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। विभाग बंटवारे के बाद बिहार की परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यालय पहुंचते ही परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने शीला कुमारी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। परिवहन सचिव ने विभाग के सभी पदाधिकारियों से मंत्री शीला कुमारी का परिचय करा, साथ ही विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर संयुक्त सचिव पंकज कुमार, उप सचिव शैलेंद्र नाथ, विशेष कार्य पदाधिकारी आजीव वत्सराज सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नीतीश का सुशासन, बिहार के व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी को बनाया गया शिक्षा मंत्री। नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप पर रामनाथ कोविंद ने की थी कार्रवाई। नीतीश कुमार ने बिहार के सबसे बड़े नौकरी घोटाले के आरोपी को अपना शिक्षा मंत्री बना दिया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते नौकरी में भारी घोटाला करने का आरोप है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्यपाल रहते मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच कराई थी और उन पर लगे आरोपों को सच पाया था। ये जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई थी। मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में घोटाले का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवालाल चौधरी के इस बड़े घोटाले के खिलाफ सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने भी आवाज उठाई थी। विधान परिषद में जेडीयू विधान पार्षदों ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। वहीं बाद में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे जोर शोर से उठाया था। सुशील कुमार मोदी सबूतों का पुलिंदा लेकर तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिले थे। इसके बाद जांच हुई और जांच में पाया गया कि मेवालाल चौधरी ने कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति रहते बड़ा घोटाला किया है। ये घोटाला 161 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में हुआ था। जहरीली हवा की रैंकिंग में पटना देश के अंदर तीसरे स्थान पर, मुजफ्फरपुर टॉप पर। राजधानी पटना समेत बिहार के कई शहरों में लगातार जहरीली हवा का स्तर बढ़ रहा है। देश के अंदर जहरीली हवा का रैंकिंग में पटना तीसरे नंबर पर जा पहुंचा है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि मुजफ्फरपुर जहरीली हवा की रैंकिंग में टॉप पर है। मुजफ्फरपुर का AQI लेवल 287 है, जबकि दूसरे नंबर पर मानेसर और तीसरे नंबर पर 251 के साथ पटना है। दिल्ली का AQI लेवल 212 दर्ज किया गया है। तेज होता जा रहा है डेंगू का डंक, पटना में मरीजों का सरकारी आंकड़ा 200 के पार।
कोरोना महामारी के इस दौर में राजधानी पटना के लोग डेंगू के डंक से परेशान हैं। पटना में लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और सरकारी आंकड़ों में अब जिले के अंदर डेंगू के मरीजों की तादाद 200 के ऊपर चली गई है। पटना जिले में अब तक डेंगू के 204 मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को PMCH में डेंगू के 7 सैंपल की जाँच की गई है, जिसमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि फुलवारी शरीफ में एक डेंगू मरीज अस्पताल में भर्ती किया गया है। PMCH में अब तक कुल 241 सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 77 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। वहीं PMCH में डेंगू के मरीजों के लिए 30 बेड की व्यवस्था की गई है। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। तो राजधानी पटना में एक दिन के अंदर बदला मौसम, पारा 5 डिग्री गिरा नीचे। राजधानी पटना समेत राज्य भर में मौसम के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक दिन के अंदर राजधानी पटना का पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश का असर बिहार तक आ पहुँचा है। पटना में एक दिन के अंदर दिन का पारा तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। इसके साथ ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। तो इसी तरह बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।